सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। नंबर एक, गोविंदा। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा अब फिल्मों में भले न चल पा रहे हों, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ वो ही पर्दे पर छाए हुए थे। ऐसे में इस बात को यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि गोविंदा को भी रिजेक्ट किया गया था। शुरुआती दौर में गोविंदा जरूरत से ज्यादा यंग दिखा करते थे, इसके चलते उन्हें कई बार फिल्मों में काम नहीं मिलता था। हालांकि वक्त बदला और आज गोविंदा का नाम पूरी दुनिया जानती है। नंबर दो, धनुष। रंजना से बॉलीवुड में धमाल मचाने वाले धनुष को भी फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया जाता था। दरअसल धनुष की शक्ल एक हीरो के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है। हालांकि अपनी एक्टिंग के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज वो साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे हैं। नंबर तीन, अजय देवगन। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। दरअसल अजय का स्किन का कॉम्प्लेक्शन काफी डार्क था, जिसकी वजह से शुरुआती दौर में उन्हें फिल्में नहीं मिलती थी। हालांकि आज अजय अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। नंबर चार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड में अपनी अमीर छाप खुद बनाने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के चेहरे को देखकर कोई जल्दी से सिलेक्ट नहीं करता था। उनके पहली बार फिल्म मुन्ना भाई MBBS में एक चोर के किरदार में देखा गया था, लेकिन नवाजुद्दीन की एक्टिंग ने साबित कर दिया कि हुनर का कोई रंग नहीं होता। नंबर पाँच, इरफान खान। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने हुनर का लोहा मनवाने वाले एक्टर इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, पीकू जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया था। हालांकि करियर के शुरुआती दौर में उन्हें भी अपने लुक्स के कारण रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, लेकिन समय का पहिया घुमा और इरफान लोगों के आंखों का नूर बन गए।